अन्नदाता किसानों पर गोलियां, कर्ज माफी नहीं, 5 किसानों को मिली मौत, फायरिंग के विरोध में जल रहा है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी कर्ज माफी की कहानी। सबसे पहला काम किसानों की कर्ज माफी का करवा के रहूंगा। योगी सरकार ने कर्ज माफ करने का ऐलान किया। इसके बारे में चुनाव के पहले जो कहा था, पार्टी की बनी सरकार ने उस वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश के ऐलान के बाद बीजेपी शासित राज्यों में उठी कर्ज माफी की मांग। कर्ज माफ और फसल की सही कीमत चाहते हैं किसान। यूपी के बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में शुरू हो गया किसानों का आंदोलन। देश का किसान नाराज है। मध्य प्रदेश में कल लगी हिंसा की आग आज धधक उठी। कर्ज माफी पर अड़े किसानों की वजह से आज दिन भर क्या क्या हुआ, सबसे पहले जानने के लिए चलते हैं चित्रा के पास। किसान आंदोलन मामले में आज पूरे दिन क्या हुआ है, सबसे पहले बड़ी बातें आपको दिखाते हैं। किसान आंदोलन से मंदसौर देवास में हिंसा भड़क उठी है। मंदसौर देवास में 100 से ज्यादा गाड़ियां आज फूंक दी गई हैं। आपको यह भी बता दें कि मंदसौर में डीएम के साथ आज हाथापाई की गई। बड़ी मुश्किल से वो खुद को बचाकर दूसरी जगह ले गए। मंदसौर में आरएएफ के 1100 जवान भेजे गए हैं ताकि हालात को काबू किया जा सके। बड़वानी में धारा 144 लागू की गई है। देवास हाईवे पर 40 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है, जबकि भड़काऊ पोस्ट अगर कोई भी शेयर करता है या फिर लाइक करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं कल मारे गए 5 लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। आंदोलन चलाने वाले शिव कुमार भी सामने आए हैं। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से ट्वीट कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस फायरिंग में 5 किसानों के मारे जाने के बाद आज बवाल थमने के बजाय बढ़कर राज्य के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया। मंदसौर और पिपलिया मंडी में कर्फ्यू के बावजूद आंदोलन कर रहे किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया। मंदसौर में डीएम से मारपीट की गई, पत्रकारों पर हमला हुआ, उस फैक्ट्री को जलाया गया जहां 2 दिन पहले कुछ किसानों के साथ हाथापाई हुई, तो देवास में थाने में आगजनी की कोशिश हुई। कई जगह हाईवे पर जा रही गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। कुल मिलाकर अब तक 100 से ज्यादा गाड़ियों को जलाया गया है। मंदसौर में कल किसानों की मौत के बाद शुरू हुई हिंसा आज मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्सों तक फैल गई। ये 2 तस्वीरें उसी की गवाह है। राजधानी भोपाल से करीब 150 किलोमीटर दूर देवास में भी किसान हिंसा पर उतर आए। आंदोलनकारियों ने एक बस पर जमकर पत्थरबाजी की। उस वक्त बस के अंदर यात्री मौजूद थे, बच्चे चीख रहे थे, लेकिन बाहर से पत्थर बरसना बंद नहीं हुआ। बाद में प्रदर्शनकारियों ने यात्रियों को निकालकर बस को आग के हवाले कर दिया। देवास में हाईवे पर कई बसों में आग लगा दी गई। वहीं राजधानी भोपाल से 350 किलोमीटर दूर मंदसौर में हालात आज भी बेकाबू दिखे। किसानों के हिंसक आंदोलन के निशान सड़कों पर जहां तहां बिखरे पड़े हैं। हिंसा की लपटें मंदसौर में नीमच रतलाम हाईवे पर कई किलोमीटर तक दिख रही हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत जान जोखिम में डालकर मंगलवार को हुई हिंसा वाली जगह पहुंचे। गाड़ियों में आग लगी हुई है, गाड़ियों को उपद्रवी ने आग लगाई हुई है और इन गाड़ियों में कल भी आग लगी थी मगर आज फिर इन गाड़ियों में आग लगा दी गई है। और किस तरीके से यहां रास्ता रोका गया है और इन रास्ते को क्लियर करवाने के लिए पुलिस को मेहनत करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं ये पूरे जो डंपर हैं इन सबको कल आग लगाई गई थी मगर आज फिर भड़की आग और फिर इसके बाद इनके डीजल निकाल के फिर यहाँ पे आग लगा दी गई है, आगजनी की गई, पूरा रास्ता रुका गया है। नीमच रतलाम हाईवे पर जैसे तैसे एबीपी न्यूज की गाड़ी आगे बढ़ रही थी। हाईवे पर सिर्फ जले हुए ट्रक ही दिख रहे थे। कई जगहों पर खेतों में भी आग लगा दी गई थी। किसानों ने नीमच रतलाम हाईवे पर अभी भी कई जगहों पर रास्ता बंद कर रखा है। इंटरनेट की सेवाएं बाधित करनी पड़ी
उसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि वो व्हाट्सएप के और सोशल मीडिया के माध्यम से एंटी सोशल एलिमेंट ने इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया था। ग्रामीण इलाकों में हालात बेहद तनावपूर्ण है, लेकिन शहर में शांति है, फिर भी लोग डरे हुए हैं। मंदसौर जिले में कल से ही कर्फ्यू लागू है। पुलिस लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील कर रही है। जनता से अनुरोध किया जाता है कि जनहित में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कर्फ्यू की घोषणा की गई है। इस घोषणा के दौरान अनावश्यक रूप से सड़कों पर पाए जाएंगे तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यू का आलम यह है कि सड़कों पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। यह आप मंदसौर शहर की तस्वीरें देख सकते हैं। आपको जहां रोजमर्रा की दुकानें, पेट्रोल पंप, मेडिकल की दुकानें सब कुछ बंद है। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं। लगातार पुलिस गश्त लगा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स और CRPF की टीमें लगातार गश्त लगा रही हैं। मंदसौर में किसानों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। आंदोलनकारी किसानों को समझाने पहुंचे DM स्वतंत्र कुमार सिंह के साथ ग्रामीणों ने हाथापाई की। उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई। कुछ स्थानीय लोगों की मदद से DM को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। किसानों के गुस्से का शिकार मीडिया वाले भी हुए। ABP न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। मंदसौर की घटना को लेकर उज्जैन में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। गुस्साए किसानों ने पुलिस की गाड़ियों पर जमकर पत्थर बरसाए। उज्जैन में किसानों के पथराव में कई पुलिस वाले घायल हो गए। मंदसौर में कल गोलीबारी में मारे गए पांचों किसानों का सुबह आनंद फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भड़का किसान आंदोलन किस कदर व्यापक था कि उसकी आग अभी तक देखी जा रही है। हम मंदसौर से अब नीमच की तरफ रास्ते में जा रहे हैं तो कई जगहों पर ट्रक, कंटेनर, लारी जली हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही एक जो ट्रक है जिसमें आग लगा दी गई थी, आग अभी तक जल रही है। दरअसल हुआ यही था कि जब किसान आंदोलन कर्मी जब यहां सड़क पे आ गए और उन्होंने पथराव करना शुरू किया और उनको रोकने के लिए पुलिस और CRPF के जवान जब इकट्ठे होकर आए तो कुछ किसानों ने CRPF के जवानों को पकड़ लिया और उसके बाद फिर जो फायरिंग हुई है उसमें पांच किसानों की मौत हुई है। प्रशासन का दावा है कि पुलिस या CRPF ने कोई फायरिंग नहीं की, लेकिन मौके वारदात पर मौजूद चश्मदीद ग्रामीण प्रशासन के बयान को झूठा बता रहे हैं। अभी यहाँ पे अभी हम लोग हॉस्पिटल में हैं तो यहाँ पे 3 डेथ की रिपोर्टिंग आ रही है और पुलिस के द्वारा जो अभी तक अवगत कराया गया है पुलिस फायरिंग से इनकी डेथ नहीं हुई है। बिना किसी चेतावनी के आप लोगों पे फायरिंग की? बिना चेतावनी के फायरिंग की। जैसे ही लोग भागे थे उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दी और प्रशासन बोल रहा है हमने गोली चलाने का आर्डर नहीं दिए। आप उसकी न्यायिक जाँच कराए की गोली किसने चलाई है, गोली किसकी राइफल से निकली है, इसकी भी जाँच कराए आप लोग। IG कानून व्यवस्था मकरंद डेउस्कर ने भी माना कि पुलिस की ओर से फायरिंग हुई थी, लेकिन किसानों की मौत उसी गोली से हुई। इस पर वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। जो प्रथम दृष्टिया जो चीजें मालूम पड़ी उसमें पुलिस फायरिंग हुई है और उसमें किसने कितने राउंड कैसे किन परिस्थितियों में चलाए हैं वो अभी बताया जाना संभव नहीं है। मंदसौर से शुरू हुई हिंसा मध्य प्रदेश के उज्जैन, देवास, खरगोन, नीमच और सीहोर तक फैल गई है। मंदसौर में किसानों की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि आखिर उन पांच किसानों की मौत किसकी गोली से हुई। मंदसौर से मृत्युंजय सिंह के साथ ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं कि आखिर किसानों की मांग क्या है और उसको पूरा करने में अड़चन कहां आ रही है। किसानों की पहली मांग है कर्ज पूरी तरह से माफ हो। अब कर्ज माफी में रोड़े हैं। रिजर्व बैंक कह रहा है कि देश का घाटा बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। स्टेट बैंक कहता है कि कर्ज लौटाने का अनुशासन खराब होगा। यूपी कैबिनेट ने छोटे किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ करने की सिफारिश की, यानी सारे किसानों को कर्ज माफी नहीं मिलेगी। वहीं महाराष्ट्र में 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों की कर्ज माफी की तैयारी है, लेकिन अभी फैसला होना बाकी है। जबकि MP सरकार ने कहा है कि पूरी तरह से कर्ज माफ नहीं कर सकते हैं। किसानों की दूसरी मांग, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पर लागत से 50% ज्यादा फसलों की कीमत दी जाए। अब देखिए उचित कीमत आखिर उन्हें क्यों नहीं मिल पा रही।
राज्य सरकारों के पास फसल खरीदने की न नीति है और न ही तैयारी है। मध्य प्रदेश ने पिछले साल 65 करोड़ का प्याज खरीदा, खराब व्यवस्था के चलते प्याज सड़ गया। राज्यों के पास पैसे नहीं है, केंद्र ने भी कहा है कि अपने ही खजाने से राज्य सरकार इसे भरे। किसानों की अगली मांग है खेती के लिए बिना ब्याज के कर्ज मिले। अब समझे कि बिना ब्याज के कर्ज क्यों नहीं मिल पा रहा। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि खेती के लिए शून्य ब्याज दर पर किसानों को कर्ज हम दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के पास फिलहाल ऐसी कोई नीति नहीं है, जबकि यूपी को अभी की कर्ज माफी के लिए 36,000 करोड़ जुटाने भारी पड़ रहे हैं। ऐसे में बिना ब्याज कर्ज कैसे देगी योगी सरकार। किसानों की एक और बड़ी मांग है कि उन्हें पेंशन दी जाए। पेंशन क्यों नहीं मिल पा रही। दरअसल पेंशन की मांग पर किसी भी सरकार ने अभी तक विचार नहीं किया है। सरकार कैसे किसानों का चयन करेगी, किसे कितनी पेंशन मिलेगी, इस पर कोई नीति नहीं है। मध्य प्रदेश में किसानों के हिंसक आंदोलन के लिए प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के ढीले रवैये को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। दरअसल राज्य में किसानों का आंदोलन 1 जून को शुरू हुआ। 1 से 4 जून तक किसानों ने कुछ जगहों पर गाड़ियां रोकी, उनमें भरा दूध और सब्जियां सड़क पर फेंकी। 5 जून को किसानों ने पिपलिया मंडी में व्यापारियों से दुकान बंद करने को कहा। इसको लेकर हाथापाई हुई, जिसके बाद ज्यादातर किसान लौट गए, लेकिन व्यापारियों ने कुछ बचे हुए किसानों के साथ मारपीट की। 6 जून को किसानों को पता चला कि व्यापारी उनकी शिकायत लेकर थाने पहुंचे हैं और किसानों ने थाने पर पथराव शुरू कर दिया। बात बढ़ी, गोली चली और 5 किसान मारे गए। मैं प्रदेश की जनता से, किसान भाइयों से फिर अपील करना चाहता हूं, शांति बनाए रखें, सरकार किसानों के साथ है, जनता के साथ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भले शांति की अपील कर रहे हों, लेकिन अब देर हो चुकी है। मंदसौर से पहले सीहोर में और अब देवास से लेकर नीमच, इंदौर, उज्जैन और रतलाम तक आंदोलन फैल चुका है, लेकिन ये नौबत एक दिन में नहीं आई है। ये बहुत सालों का एक सफोकेशन है, एक घुटन सी थी, वो घुटन अब बाहर आ रही है। कितना दबाओगे भाई, इतना 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 वो नहीं होगा ना, एक दिन तो बाहर। और ताकत कितनी है भाई, भूख की और अपमान की जो ताकत होती है वो बहुत होती है भाई, वो किसी तुम्हारे तोप गोले में नहीं होगी, बंदूक में नहीं होगी। अब ये इतना उजागर हो गया। रविवार को शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ बीजेपी संघ से जुड़े किसान संगठन के साथ बैठक कर ली थी। सिर्फ किसानों के एक धड़े से बात करके किसान आंदोलन खत्म होने का दावा शिवराज सिंह ने कर दिया था। सरकार का एक अनुसांगिक संगठन भारतीय किसान संघ, जिसका नाम है, अचानक एक दिन पहले हमारे जो विरोध में थे और समर्थन में आते हैं और सरकार से हाथ मिलाकर ये घोषणा कर देते हैं कि आंदोलन समाप्त हो गया, मुख्यमंत्री ट्वीट कर देते हैं, उससे किसान भड़क गया। शिवराज का ये दांव उल्टा पड़ गया और अब ये हालत है कि पूरा प्रदेश जल रहा है और शिवराज इसे कांग्रेस की साजिश बता रहे हैं। कांग्रेस ने सुनियोजित प्रयास किया था आंदोलन में हिंसा भड़काने का, उसकी बलि कुछ साथी चढ़ गए। शिवराज सरकार उपलब्धि गिनाती है कि भारत सरकार की तरफ से कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा किसान कर्मण्य अवार्ड लगातार 4 बार पाने वाला इकलौता राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि हकीकत यह है कि 2012 से 2016 तक अच्छी पैदावार के लिए चलाई जा रही योजना के तहत खर्च 945 करोड़ में सिर्फ 2% किसानों को फायदा हुआ। शिवराज सरकार का दावा है कि पिछले 4 साल में कृषि विकास दर 20% से ज्यादा रही, जबकि सीएजी की रिपोर्ट बताती है सरकारी कर्मचारी बीज की बुआई से पहले जांच नहीं कर पाए, जिसकी वजह से पैदावार और किसानों की आमदनी पर असर पड़ा। शिवराज सरकार ने किसानों के हित के लिए कृषि कैबिनेट का गठन किया। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि किसानों के लिए खेती का सामान खरीदने में धांधली हुई। इन 12 सालों में शिवराज खेती को मुनाफे का धंधा बनाने की बात कहते रहे, लेकिन हकीकत यह है कि अफसरशाही की वजह से शिवराज किसानों की दिक्कत पर आंख मूंदे रहे, आड़तिया औने पौने भाव में फसल खरीदते रहे, किसान कर्ज में डूबा रहा, बिजली के बिल बढ़ गए और मंडियों में ज्यादा टैक्स भरना पड़ा, अन्नदाता नुकसान की खेती करता रहा और जब गुस्सा बढ़ा तो अब शिवराज सिंह गुस्से के बदले गोली दे रहे हैं। मंदसौर से ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट।
किसानों के इस आंदोलन ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विपक्ष इस मौके को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने की फिराक में है। अब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कल मंदसौर जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान का पुजारी हूं, आज सही चेहरा हमें उनका देखने को मिला है। बड़ी दुख की बात है कि मध्य प्रदेश का आज हर वर्ग परेशान है, किसान होए, नौजवान होए, व्यापारी होए, और मध्य प्रदेश को अंधेरे की तरफ किस प्रकार से घसीटा जा रहा है। नैतिक रूप से शिवराज सिंह जी को अपना त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि अंत में उनकी जिम्मेदारी बनती है। राहुल जी से हमारी बात हुई है, वो बताएंगे किस तरह से, क्योंकि उनको परमिशन नहीं मिली है। वो तो कल भी जाने वाले थे लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिली। अब आज किस तरह से वो प्लानिंग कर रहे हैं, क्या किस तरह करते हैं, कैसे जाएंगे, तो वो हमको यदि बताएंगे तो हम भी यानी वहाँ जाना चाहते हैं, तो हो सकेगा साथ साथ जाएंगे। मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन के पीछे कौन है? अब तक बताया गया कि इन किसानों का कोई नेता नहीं है, ये नेतृत्व विहीन आंदोलन है। सरकार को बात करने के लिए कोई चेहरा नहीं मिल रहा, लेकिन अब पता चला है कि आंदोलन के पीछे आरएसएस के किसान संगठन से निकाले गए एक किसान नेता हैं। नाम है शिव कुमार शर्मा। मैं शिव कुमार शर्मा, 65 साल हमारी उम्र हो गई है, 40 साल से ही काम कर रहे हैं। शिव कुमार शर्मा लोग कक्का जी के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश में किसानों के हिंसक आंदोलन के पीछे का चेहरा। पूरे जो किसान भड़क रहे हैं, जगह जगह आग लगाई, पूरा सीधे सीधे आपका नाम आ रहा है। अगर मेरा नाम आता है तो आने दीजिए, जांच होगी, पता लगेगा। मैं बैठा हूं इंदौर में, गोली चल रही है मंदसौर में। पुलिस फायरिंग का विरोध जताने दाहिने हाथ पर काली पट्टी बांधकर शिव कुमार शर्मा सामने आए। कुल मिलाकर हम 3 संगठन इस आंदोलन को चला रहे हैं, BKU, आम किसान यूनियन, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ। इन 3 संगठनों में से राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं शिव कुमार शर्मा। इस आंदोलन में शिव कुमार शर्मा की क्या भूमिका रही, ये बताने से पहले आप शिव कुमार शर्मा के बारे में जान लीजिए। जबलपुर विश्वविद्यालय से लॉ ग्रेजुएट शिव कुमार शर्मा ने छात्र राजनीतिक शुरुआत JDU नेता शरद यादव के साथ की थी। बाद में वे सरकारी नौकरी में आ गए और मध्य प्रदेश सरकार के विधिक सलाहकार बन गए थे। कुछ साल बाद सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर शिव कुमार शर्मा किसान आंदोलन से जुड़ गए। RSS कार्यकर्ता शिव कुमार शर्मा संघ के द्वितीय वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त हैं। RSS से जुड़े भारतीय किसान संघ के महामंत्री और फिर अध्यक्ष भी बने। ये तस्वीरें साल 2010 की हैं, जब भारतीय किसान संघ के हजारों किसानों ने भोपाल में चक्का जाम कर दिया था। CM आवास से महज 100 मीटर दूर बिजली पानी की मांग को लेकर किसान धरने पर बैठे थे। वो तारीख थी 20 दिसंबर 2010। भोपाल के लोग जब सोके उठे तो देखा कि उन्हें किसानों ने घेर रखा है। उस घटना की रिपोर्टिंग मैंने भी की थी और हैरान था कि कैसे एक रात में हजारों किसानों ने भोपाल को घेर लिया और प्रशासन को कानो कान खबर भी नहीं हुई। RSS के संगठन में रहते हुए BJP की शिवराज सरकार के खिलाफ उस महाधरने के पीछे भी शिव कुमार शर्मा ही थे। तब से शिव कुमार शर्मा संघ और सरकार के निशाने पर आ गए। मध्य प्रदेश में किसानों पर पहली बार गोली 2012 में रायसेन जिले के बरेली में चली थी। एक किसान की मौत हुई थी। उस आंदोलन के पीछे भी शिव कुमार शर्मा ही थे। बरेली गोली कांड में मैंने पिछले पीछे बताया था कि पहले 8 गाड़ियों को जलाया और 260 किसानों पर 560 पुलिस वालों ने 80 राउंड गोली चलाई थी। इसके पहले जबलपुर में भी यही हुआ था, उसके पहले दिल्ली में भी यही हुआ था, हरियाणा में भी यही हुआ था। और इस कांड के बाद RSS ने शिव कुमार शर्मा को संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाद में हुए बरेली कांड में शिव कुमार शर्मा को 2 महीने की जेल भी हुई। मैं भारतीय किसान संघ का प्रदेश अध्यक्ष था और प्रदेश अध्यक्ष जब था और मैं किसानों की लड़ाई जब ईमानदारी से लड़ने लगा, तब इनने मेरे पे गोली चलाई है।
और मुझे जेल में डाला है और 12 मुकदमे मेरे पे लगाए हैं। ईमानदारी से काम करते हुए ही तो मैं जेल गया हूँ ना, और भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष ना जेल गया हूँ। मगर जब वो जेल से बाहर निकले तो उसके बाद उन्होंने अपना एक नया संगठन खड़ा कर लिया, राष्ट्रीय मजदूर किसान संघ। मध्य प्रदेश में चल रहे किसान आंदोलन के पीछे अब यही संगठन काम कर रहा है और ये आंदोलन अब हिंसक रूप ले चुका है। मध्य प्रदेश सरकार के लिए इस आंदोलन से निपटना अब निश्चित ही बड़ी चुनौती बन गया है। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, मंदसौर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।